बहुत ज़्यादा दुखद है, बहुत ही ज़्यादा दुखद है। और मुझे रात में करीब 4 बजे ये न्यूज़ मिली है और तब से हम एक पल को भी नहीं सो पाए, क्योंकि ये कोई एज नहीं थी। और शाम की पार्टी हमने फ़ोटोज़ देखी, उन्होंने अच्छे से अटेंड करी और सडनली ये न्यूज़, बहुत ज़्यादा मन बहुत ज़्यादा विक्षिप्त है इस चीज़ को लेकर। चालबाज, हर चीज़, एक बेहतरीन अदाकारा के रूप में, इवन उन्होंने जो उनका डांस बहुत ज़्यादा सराहा गया और छोटी सी एज से उन्होंने काम किया। मैं खुद भी एक एक्टर हूँ और तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस चीज़ के लिए, कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेरे लिए बहुत बड़ी गलत न्यूज़ है, मुझे यकीन नहीं है कि ये चीज़ हुई है और दिल मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, ये उनके साथ मेरी एक पिक है, मैंने उनके साथ मालिनी एयर में भी काम किया है, मैंने उनके साथ मालिनी एयर में भी काम किया है और इंसानियत और एज ए ह्यूमन बीइंग इनके जैसा मैंने कोई इंसान नहीं देखा है इन आर इंडस्ट्री। मैं भी इंडस्ट्री से ही हूँ, बहुत काम किया है मैंने यहाँ, मैं अंधेरी वेस्ट सियारी रोड पे रहती हूँ। शी इज़ माई हीरो, शी इज़ माई गॉड और भगवान ने मुझे वो एक मौका दिया तो भगवान को मैं वो शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी बड़ी हीरोइन के साथ और मैम के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। और उनका बिहेवियर सबके प्रति एज एन आर्टिस्ट, एज ए टेक्नीशियन, जिस हिसाब से वो सेट पे सबके साथ बिहेव करती थी, मार्वलस, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, जिसको हमारे जैसे कलाकार बयान नहीं कर सकते कि क्या लॉस है इंडस्ट्री में, बिकॉज स्टिल शी इज़ वर्किंग। तो यकीन मानना तो मुश्किल ही है, गले से नीचे तो वो ये बात उतर नहीं रही है। ऑलवेज सबका दिल जो है वो पिंक होता है, मेरा आज काला है, सो टुडे इज़ अ ब्लैक डे फॉर मी, सो जस्ट आई एम वेटिंग फॉर हर, बस उनके अंतिम दर्शन मुझे मिल जाए तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगी। हाँ, मालिनी एयर में एक एपिसोड में थे और उनको मुझे बचाने का एक सीन था जिसमें शी वॉज़ वेयरिंग अ बुरखा और वो जब यहाँ से वहाँ और यहाँ से वहाँ जो कॉमेडी में उचक रहे थे, सो बिहाइंड आई वॉज लाफिंग कि माई गॉड, इन फ्रंट ऑफ कैमरा शी इज़ सो गुड। और अपने आप को भूल के जो जिस किरदार में वो काम करते थे, दैट वॉज मार्वलस। बिल्कुल सब जी सर, सबका एक अपना अपना व्यक्तित्व होता है, एक अपनी अपनी पहचान होती है, तो श्रीदेवी मैडम की जगह तो मुझे नहीं लगता कोई ले पाएगा। बहुत अच्छी डांसर थी, मैंने उनके बहुत सारे सॉन्ग्स पे मैंने भी परफॉर्म किया है विथ माय गुरुजी और ये, और घर में भी मैंने बहुत डांस किया है उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के। और आज भी दिन में एक या दो फिल्म, कल या परसों ही मैं चांदनी देख रही थी, तो जी हाँ जी हाँ, तो अनबिलीवेबल, एक बोलना और एक आपकी भावना को व्यक्त करना बहुत मुश्किल है, सो ये भावना को व्यक्त नहीं कर सकती, मैं बता नहीं सकती। ये फ़ोटो मेरे दिल के बहुत करीब है
और जब मैंने एज एन आर्टिस्ट मेरा इंट्रोडक्शन इनको दिया और जिस हिसाब से उन्होंने उठ के एक आर्टिस्ट को मिलता है, चाहे वो छोटा या हो या बड़ा हो, कलाकार को एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट उनसे मिली है या मिलनी चाहिए, ये इनसे सीखना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि कलाकार आपको पब्लिक को जाने नहीं दिया जाता या आर्टिस्ट नहीं मिल सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उनमें से वो इंसानियत, वो शख्सियत है कि बहुत ही ग्राउंडेड होके, काइंडली होके, सबके साथ मिलजुल के काम करने वालों में से और सबके साथ मिल के फ़ोटो शेयर करने वालों में से शख्सियत थी। कब से खड़े हो यहाँ पे, जब आपको मैं बस पता चला और मैं मुझे 2-3 घंटे तो हो ही गए, फिर मीडिया वालों को जैसे जैसे पता चला वो लोग भी मुझे कवर कर रहे हैं। मैं सबकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आप सबकी और आप सबके थ्रू मैं उनके फैंस को, उनके को स्टार्स को और मेरे जैसे छोटे से आर्टिस्ट जो भी है, उन सबकी तरफ से मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगी कि वो सबके दिलों में बसती हैं। मैं अभी भी ये नहीं बोल रही हूँ कि वो हमारे बीच नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी। जी हाँ, वो मैम ने मुझे ऑटोग्राफ दिया था। हाँ, ये उनका साइन है और ये 2004 में आई मैथ हो। कौन सा तारीख? 2004। इट्स वेरी लॉन्ग बैक, जब मेरा करियर शुरू हुआ था। 14 साल में? जी हाँ। तो आपका नाम? मैडम जी, मेरा नाम मोना पारेख है। मैं भी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मैंने गुजराती फिल्में की है, भरतनाट्यम डांसर हूँ और अभी भी शोज कर ही रही हूँ। गुजराती फिल्म मैंने की है। हिंदी में मैसेज देना चाहोगे उनके? बस उनके फैंस को, ये इतनी बड़ी दुखद घटना उनकी फैमिली के साथ हुई है, तो मुझे लगता है कि मैं भी उनकी फैमिली में से ही हूँ। मुझे पता है कि जब घर में से एक इंसान कम होता है तो क्या फीलिंग्स होती है, जो बयां करने के नाइलाज इंसान हो जाता है, बयां नहीं कर सकता उस चीज़ को, एक लॉस जो है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। पर मैं उनके घर वालों को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपने आप को संभालिए, और मैं उनके फैंस को भी यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप उनके लिए प्रार्थना करिए और शांति बनाए रखिए। Thank you so much.
श्रीदेवी जी का निधन हो गया, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा हीरो नहीं था, अच्छा से करता था, पे अभी आप हो गया। दुख है आपको? वही सुबह मैं देखा 6 बजे न्यूज में देखा, बहुत ये हो गया अपना अपना तमिलनाडु का तो बहुत फेमस है, तमिलनाडु में बहुत अच्छे से एक्टिव है, वो बहुत मानता। अभी वो 15 साल से नहीं किया, अभी जो अपना विजय पिक्चर में आया था, एक पिक्चर नया पिक्चर में भी 2 साल 1 साल भी नहीं हुआ, बहुत अच्छे से करता था। क्या बोलेगा, बहुत अच्छा एक्टर है। मैं दुख हूँ, बहुत दुख, वो भी 54 एज है, मेरा तो अभी 57 ही हुआ, मेरे से भी एकदम, मैं सोचा उससे भी उम्र है करके हो, मगर बहुत अच्छा एक्टर था उसका। जो 4 साल की जो कुमार सम्भव फिल्म है, JBC देखना शुरू किया हूँ मैं वो फिल्म भी देखा हूँ। बस इधर से मैं हिम्मत वाला जो रिलीज हुआ था 83 कुछ था, ये भी वो भी मैं मुंबई से ही देखा हूँ। बाद में जो अब्रॉड गया बहरीन में, बहरीन से उसका पूरा फिल्म देखा हूँ। जो मैं 94 तक बहरीन में था, जब तक जो रिलीज हुआ फिल्म सब देखा हो, पाकिस्तान लोग सब बहुत पागल है इसका पीछे। इंडस्ट्री का लॉस्ट बोला तो अभी बहुत बहुत एक्टर्स अभी है, मगर इसका एक तरीका तो अलग ही है, वो सब इंडस्ट्री वाला भी बोलता है ना। आखिरी फिल्म बोला तो जो इंग्लिश वो भी देखा, बहुत अच्छा फिल्म वो, किधर कौन सा फिल्म एक्ट किया वो सब अच्छा ही है, वो बुरा कुछ कोई भी फिल्म खराब नहीं बोल सकता है। उनके लिए हमें बहुत दुख है, श्रीदेवी जी के मैंने बहुत पिक्चर देखी है, खुदा गवाह चांदनी पिक्चर, अपना मिस्टर इंडिया में बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, बॉलीवुड के लिए बहुत शौक हुआ उनका निधन हुआ तो उनके लिए। सबसे ज़्यादा फिल्म कौन सी पसंद आई? मुझे मिस्टर इंडिया बहुत पसंद आई पिक्चर, बहुत ही अच्छी मूवी थी वो। आखिरी मॉम पिक्चर, मॉम मूवी देखी है, उनकी आखिरी मूवी है, इंग्लिश में भी अच्छा काम किया उन्होंने, मैं बहुत बड़ा फैन था उनका। बहुत दुख की बात है और पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही दुख की बात है ये, बहुत ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी और इतना अच्छा काम किया, कुछ शब्द नहीं है किसी के लिए। हाँ अभी जो उनका मॉम की शूटिंग अभी स्टार्ट होने वाली है, सब चीज़ें जो है हम लोग देख रहे थे, और अब तो कुछ मतलब कुछ शब्द नहीं है जो बोला जाए, बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वो हमेशा अमर रहेंगी हम सबके बीच में।